एंड सामने बीच है। वी लव श्रीलंका। देखो ट्रैफिक जाम लग गया। Hey everyone, good morning. This is day 4 in Sri Lanka. एंड आज हम हैं बेंटोटा में। तो आज थोड़ा सा ईजी डे है क्योंकि वी आर एट द बीच डेस्टिनेशन एंड वी आर स्टेइंग एट अ वेरी नाइस बीच रिजॉर्ट। आई मीन बहुत ज़्यादा लग्जूरियस नहीं है क्योंकि हमारा प्लान लास्ट मिनट था और काफ़ी सारे होटल्स बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे क्रिसमस बहुत ग्रैंड होता है, एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट ब्लॉग। तो बहुत ही ऑन सीजन है तो सब बुक्ड रहता है। तो वी गॉट दिस होटल, बट दिस होटल इज़ ऑल्सो वेरी नाइस स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बीच से बिल्कुल एक्सेस है। बस हम वॉक करके ऐसे जाएंगे एंड सामने बीच है, सो दिस फील्स ग्रेट। सो आज का दिन थोड़ा सा ईजी है। हम अभी यहाँ पे चिल कर रहे हैं, लाइक इट इज़ मॉर्निंग 10:30। वी वोक अप आराम से एंड उसके बाद अभी हम आए हैं चिल करने पूल पे। सो वील हिट द पूल एंड फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेंटोटा में जो थोड़ी बहुत जगह देखने की है वो देखेंगे, बट मेनली वी विल बी रिलैक्सिंग एट द बीच एंड जस्ट यू नो चिलिंग। आज थोड़ा चिल डे है, सो या लेट्स हिट द पूल नाउ। पूल टाइम। वी लव श्रीलंका। हे एवरीवन, सो हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं माधु रिवर बोट राइड। ये बहुत ही फेमस है यहाँ बेंटोटा में एंड टाइम नाउ इज 2:48 और ये हमारी कार आ गई है। सो अभी वी आर गोइंग इन साइड द कैब फॉर आवर राइड। मैं उधर से आती हूँ। ऑल राइट, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम इन साइड अ वैगन आर और हमने इंडिया में वैगन आर देखी हैं, वो कितनी डिफरेंट होती हैं। यहाँ की वैगन आर मतलब बहुत डिफरेंट होती हैं, वहाँ की तो हमने देखी है। सो दिस इज श्रीलंकन वैगन आर एंड इट्स सो डिफरेंट एंड इट फील सो डिफरेंट। आई जस्ट शो यू। सो दिस इज द आई डोंट नो इफ ओके, सो दिस इज फॉर अम्ब्रेला। सी द अम्ब्रेला साइन, सो दिस इज फॉर अम्ब्रेला, यू नो आप ऐसे टांग सकते हैं। एंड दिस इज द गेट एंड दिस इज द विंडो। ये आगे की विंडो है, ये आगे का इसका पैनल है एंड दिस इज सच अ ह्यूज सच अ बिग कार। सो दिस इज द कार, मतलब एकदम डिफरेंट है वैगन आर। ये वाली कार इंडिया में आ जाए मज़ा आ जाए। दिस लुक्स रियली नाइस, फील्स रियली नाइस, स्पेशियस लग रही है। ऊपर ऊपर भी बहुत हाई रूफ टाइप्स लग रही है। बेंटोटा से माधु गंगा या माधु रिवर करीब 17 किलोमीटर्स दूर है एंड डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक यहाँ पे 20 मिनट से 40 मिनट्स लग जाता है। हमने ऊबर आउट स्टेशन बुक कराई थी यहाँ पहुँचने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं माधु रिवर विला। आप मेरे पीछे देख सकते हो, दिस इज़ अ वेरी नाइस वेरी ब्यूटिफुल विला एंड ये एक लोकल हैं, श्रीलंकन हैं, उन्होंने यू नो उनका है ये एंड दे अरेंज द बोट राइड। सो दिस इज़ द प्लेस। आप देखो इतना सुंदर है, यहाँ पे घर हो कैसे ड्रीम होम टाइप्स लग रहा है। सो येस, दिस इज़ द प्लेस और अभी हम माधु रिवर बोट राइड पे जा रहे हैं। सो या लेट्स गो। सो येस, वी आर रेडी टू गो फॉर द बोट राइड। हैं फ्रेंड्स, और ये रही हमारी बोट। विच बोट? दिस वन। ओके, सिटिंग वेयर? फ्रंट। यू नो हिंदी इंग्लिश? नो नो इंग्लिश नो हिंदी। ओ ओके। बोट सफारी की टिकट की कॉस्ट मैंने आपसे स्क्रीन पे शेयर कर दी है। अलग अलग जगह से बोट सफारी बुक कराने पे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हमारी बोट राइड 40 मिनट से 60 मिनट के बीच की थी। दिस इज द मैनग्रोव टनल एंड वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। मैनग्रोव्स एक अलग तरीके के पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानी से बाहर निकली हुई हैं और ये सॉल्टी वाटर या सेमी सॉल्टी वाटर जैसे कि ये रिवर है वहाँ पे ग्रो करते हैं, बट मेनली कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं और इनको कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। मैनग्रोव्स का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट होता है, सबको एक बार ज़रूर से देखना चाहिए। अगर आप इंडिया में ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो काफ़ी जगह मिल जाएगा जैसे कि गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, अंडमान। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम आ गए हैं सिनेमन आइलैंड।
दिस इज नाइस आइलैंड एंड दिस इज गुड. हेलो. ओह नाइस. ओके. हेलो हेलो. वेर व्हाट. ओके नाइस. ओ दिस इज सिनेमन टी. ओके थैंक यू. दिस इज सिनेमन टी. ओ इट्स हॉट. यू कंट्री. हाँ इंडिया. इंडिया सिनेमन ट्री. टू लेयर फर्स्ट लेयर ओनली कंपोज. फ्रेंड्स ये जो पेड़ आप देख रहे हो इसका नाम है रिवर चिली. ये पेड़ पानी में उगता है और इसमें मिर्ची होती है. मिर्ची. सो दिस इज रिवर चिली. नाइस. अभी हम डक कर रहे हैं और ये छोटे से पुल के नीचे से निकल रहे हैं. तो इस आइलैंड पे लोग जाते हैं फिश थेरेपी करवाने. बट आई थिंक वी विल मिस. व्हाट इनसाइड. नो फिश थेरेपी. नो. बंदर भी. अरे भैया काले लंगूर. सो वी स्किप्ड फिश थेरेपी क्योंकि थेरेपी नहीं करा रही थी. सो या अभी हम वी आर एंजॉयिंग द बोट राइड राइट नाउ. सो फ्रेंड्स अभी मैं हूँ इनसाइड द मैनग्रोव टनल. द फेमस मैनग्रोव टनल इन श्रीलंका. एंड एक चीज़ दिखाती हूँ. देखो ट्रैफिक जाम लग गया. इधर से एक बोट आ रही है इधर से. एंड इधर एक ऑलरेडी बोट है और हमने ऐसी बोट हमारी ऐसे पार्क कर रखी है जगह बनाने के लिए बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया. हाउ आर यू. गुड. सो फ्रेंड्स हम राइड से फ्री होके वापस आ गए हैं और अभी हमारी कार का हम वेट कर रहे हैं और फिर हम जाने वाले एक बहुत ही क्यूट सी जगह जो मैं आपको पहुंच के बताती हूँ. सो टॉक टू यू इन अ व्हाइल. सो फ्रेंड्स हम लोग इस वक्त आ गए हैं टर्टल हैचरी. यहाँ पे 6:30 हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है. तो आई डोंट नो वीडियो में कितना क्या साफ दिखाई पड़ेगा या आप लोगों को मतलब आप लोगों को क्या. मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो अच्छे नहीं आएंगे. बट स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस एंड सी द टर्टल्स द बेबी टर्टल्स. तो चलिए चलते हैं अंदर एंड देखते हैं. सो व्हाट पीपल डू दे कलेक्ट दोस एग्स एंड ब्रिंग टू अस. वी आफ्टर दैट वी पे अ सर्टेन अमाउंट फॉर देम एंड वी परचेस दोस एग्स. आफ्टर दैट वी बरीड देयर दैट्स अ हैचरी देयर. We dig a hole around 2 to 3 feet and we bury it there. After 2.5 months, the baby turtles will come automatically. From that, we will release 90% of them to the sea and we will keep other 10% in here to show to the visitors. This one around 1 year and this one around 2 years old. Green turtles live for 80 to 100 years. Oh, this is the young. Yeah. 80 to 100 years. They grow for 1 meter to 1.5 meter for the green turtle. Okay. And this is another variety here. Oh yes, this is a different variety. Okay. This one is called olive redly turtle. Okay. This one is 4 years old. Okay. So this is the smallest variety. Can I touch it? Okay. Be careful. Sometimes they do bite. Okay. Oh my God. Thank you. Actually, where we bury the turtles? Yes. Okay. You can go to the light. Oh my God. Oh, this is the cute turtle.